हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सेवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वास्तु के अनुसार घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर वास्तु शास्त्र को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि दोस्तों वास्तु शास्त्र के जो नियम हैं वो हमारे जो आर्किटेक्चर के नियम हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, और हमारे जो नेचर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके दोस्तों ये नियम बनाए गए हैं। तो आज के वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार हमारे हर एक रूम के अंदर कौन सा कलर होना चाहिए, किस दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए। सारी डिटेल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों जैसे आपको पता होगा वास्तु में हर एक रंग का अपना अलग महत्व होता है, इसलिए घर का जो पेंट करवाते समय वास्तु के नियम का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वास्तु शास्त्र जो है इसमें हर एक रंग का महत्व है, हर एक रंग का कुछ मीनिंग है, इसलिए जब भी आप घर में पेंट करवाए तो वास्तु शास्त्र के जो नियम है उनको एक बार पढ़ लेना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। भारतीय संस्कृति में पीले रंग का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है। पीला रंग मन की शांति और सुकून पहुंचाता है, और घर के मुख्य कमरे को अगर पीला रंग से पेंट कराया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि पीला रंग हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें उसका अलग ही महत्व है, और उससे दोस्तों हमें मन की शांति सुकून मिलता है। इसलिए जब भी दोस्तों आप अपने मुख्य कमरे मतलब लिविंग रूम बेडरूम लिविंग रूम है हॉल है उसका जो रंग चूज करें तो पीले रंग वाले शेड जो है रेड पीला जो रंग है उसके अलग अलग शेड लाइट शेड डार्क शेड यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये शुभ होने वाला है। उसके बाद दोस्तों घर की उत्तरी हिस्सा राइट जो घर है उसका जो उत्तरी हिस्सा आर्थिक संपत्ति का प्रतीक होता है, इसलिए अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उत्तरी दीवारों पर हरा रंग का जो पेंट करवाने से दोस्तों बहुत लाभ पहुँचता है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो उत्तरी दिशा में जो भी दोस्तों आपकी दीवार है उसको अगर आप लाइट शेडेड हरे रंग से पेंट करवाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उसके बाद दोस्तों वास्तुशास्त्र के मुताबिक हल्के रंग का प्रयोग करना जो है वो बहुत अच्छा होता है, बजाय कि डार्क रंग जैसे कि लाल ग्रे काला ये सारे जो रंग है हमें अवॉइड करने चाहिए, जिससे दोस्तों हमारे अंदर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम हो। और राइट तो हमें हमेशा लाइट शेडेड जो कलर है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करेंगे किस कमरे में कौन सा कलर दे राइट, तो ये वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कमरे में हमें कौन सा कलर देना चाहिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से। मास्टर बेडरूम की बात करें तो मास्टर बेडरूम हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़्यादातर होता है वास्तु के हिसाब से, और उस दिशा में भी होना चाहिए, इसलिए उसको नीला रंग करेंगे लाइट शेडेड अगर हम नीला रंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा मास्टर बेडरूम के लिए। उसके बाद दोस्तों गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम की बात करें तो घर में आए रिश्तेदारों के लिए गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए वास्तु के हिसाब से, इसलिए इस दिशा में अगर गेस्ट रूम है तो उसको सफ़ेद रंग अगर हम करें तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा वास्तु के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों बच्चों का कमरे की बात करें तो ज़्यादातर दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में उसे होता है सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती है बच्चों के लिए स्टडी रूम के लिए, जो बड़े गए हो गए हैं और पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं इसलिए दोस्तों उनका वो जो दिशा है उत्तर पश्चिम वो अच्छी मानी जाती है। ऊपर से दोस्तों दिशा उत्तर पश्चिम दिशा पर चंद्रमा का दोस्तों ज़्यादातर राज होता है, मैक्सिमम जो है चंद्रमा उस दिशा में हमें दिखाई देता है, इसलिए ये दिशा जो है दोस्तों बच्चों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए दोस्तों अगर वास्तु के हिसाब से माना जाए स्टडी रूम का बच्चों का रूम का जो कलर है दोस्तों सफ़ेद अगर हम रखेंगे लाइट शेडेड ऑफ वाइट कलर अगर आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा वास्तु के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे किचन की, तो दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों किचन के लिए बेस्ट मानी जाती है, इसलिए किचन की दीवारों का जो रंग है दोस्तों संतरी या लाल कलर लाइट शेडेड लाइट कलर अगर आप लगाएंगे तो किचन के लिए बहुत अच्छा होगा। हॉल की बात करें तो आदर्श तौर पर दोस्तों जो हमारा हॉल है मेन ड्राइंग रूम है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में होना चाहिए एज पर वास्तु के हिसाब से। इसमें दोस्तों पीला सफ़ेद रंग करवाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन एंट्रेंस होता है कई बार हॉल में से होता है ड्राइंग रूम में होता है, तो इसमें अगर पीला या सफ़ेद रंग करवाया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से। पूजा रूम की बात करें तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक पूजा घर का जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होना चाहिए उत्तर पश्चिम दिशा में,
ताकि सूर्य के अधिकतम प्रकाश का जो है उधर उधर मिले पूजा रूम के लिए। इसलिए दोस्तों पीला आपका आपके घर के लिए इसके लिए बहुत उपयुक्त माना जाएगा, मतलब जो पूजा रूम है उसका जो अच्छा कलर है लाइट शेडेड पीला कलर या फिर पीला कलर जो अगर आप पूजा रूम में करेंगे तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा। मेन डोर या एंट्रेंस की बात करें तो फ्रंट डोर के लिए सॉफ्ट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि व्हाइट सिल्वर या वुड कलर दोस्तों जनरली हमारे जो मेन डोर है उसके लिए यूज़ करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक गहरे रंग काला लाल या गहरा नीला का इस्तेमाल दोस्तों हमें मेन डोर के लिए नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि मेन डोर की जो एंट्री है हमेशा घड़ी के घूमने की दिशा में हो और अंदर की ओर खुलना चाहिए। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मेन डोर है वो घड़ी की घूमने की दिशा में खुलना चाहिए और अंदर की दिशा में खुलना चाहिए एज पर वास्तु। उसके बाद बात करेंगे घर के बाहर का रंग। दोस्तों अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम हमारा जो घर का जो एक्सटीरियर है मतलब बाहरी कलर कौन सा दे, ठीक है। तो जनरली दोस्तों वो घर का जो मालिक की इच्छा है उसी हिसाब से अगर हम बाहरी रंग देंगे तो वो अच्छा ही माना जाता है। बट अगर आप कलर सिलेक्ट करना ही चाहते हैं तो श्वेत पीला मतलब लाइट येलो कलर, ऑफ वाइट कलर, हल्का गुलाबी या संतरी रंग जो है जो सभी राशियों के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों ये ऑफ वाइट कलर है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा येलो कलर है लाइट शेडेड, और दोस्तों ये ऑरेंज कलर है। इस तरह के कलर दोस्तों आप घर के एक्सटीरियर के यूज़ करेंगे तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कमरा और उसके लिए जो कलर चूज़ करना चाहिए, जैसे कि मास्टर बेडरूम के लिए नीला कलर, गेस्ट रूम के लिए सफ़ेद, ड्राॅइंग रूम या लिविंग रूम के लिए सफ़ेद, किड्स रूम मतलब चिल्ड्रन रूम या स्टडी रूम के लिए सफ़ेद कलर बहुत अच्छा माना जाएगा। किचन के लिए जो संतरी या लाल कलर बहुत अच्छा माना जाएगा। बाथरूम के लिए दोस्तों सफ़ेद रंग का हमें यूज़ करना चाहिए। हॉल के लिए पीला या सफ़ेद रंग हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। पूजा रूम के लिए दोस्तों पीला कलर यूज़ करना चाहिए। घर का जो बाहरी हिस्सा है उसमें जो मालिक की इच्छा है उसी हिसाब से या फिर पीला सफ़ेद ऑफ वाइट या हल्के रंग के जो कलर है वो हमें यूज़ करने चाहिए। मेन डोर के लिए सफ़ेद कलर, सिल्वर या फिर लकड़ी का जो रंग है वुडन कलर जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए। स्टडी रूम के लिए हल्का हरा, नीला, क्रीम या सफ़ेद कलर कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। गैरेज अगर है दोस्तों उसमें सफ़ेद, पीला, नीला कलर का आप यूज़ करेंगे तो वास्तु के हिसाब से वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दोस्तों ये थे दोस्तों मेरे जो टिप्स वास्तु के हिसाब से हमें घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों आप एक अच्छा कलर चूज़ कर लीजिए अपने घर के लिए। और घर जो है दोस्तों हम एक ही बार बनाते हैं, अगर हम उसमें अच्छा कलर नहीं करवाएंगे तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एक अच्छा घर और अच्छा माहौल घर के अंदर बनाने के लिए घर का जो कलर है ये एक महत्वपूर्ण एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ज़रूर इन कलर को ध्यान में रखिए और अपने घर बनाने से पहले इन कलर का ज़रूर यूज़ करें। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिबी कॉन्सेप्ट, जिससे दोस्तों मैं ऐसे ही वास्तु के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आगे दोस्तों मैं आप वास्तु के हिसाब से हमारा जो हर एक रूम है उसमें दोस्तों कैसे हमें प्लानिंग करना है वो सारी डिटेल आज वीडियो में बताने वाला हूँ।